टाइटल से तुम्हें पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारे हॉस्टल टूर हमारे एफ ब्लॉक के बारे में है। मतलब बेसिकली पीजीज को मिलना था हॉस्टल, बट हमें फर्स्ट ईयर्स को मिल गया क्योंकि सी ब्लॉक खाली नहीं था, उनके भी एग्जाम्स हैं हमारे इमीडिएट सीनियर्स के। तो हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, पर अभी भी काफ़ी सही है। बाकी एम्स वगैरह से जज मत करना, हमारा हॉस्टल बहुत सही है। बाकी अब इसके बाद मैं रियर कैमरा करके तुम्हें दिखा दूंगा हॉस्टल, मतलब हर चीज़ ऑलमोस्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, और रूम टूर भी करा दूंगा। रूम मेरा नहीं है क्योंकि मैंने भी टेबल वगैरह नहीं कराया। ऑलमोस्ट अब सबके धीरे धीरे रूम सिंगल हो रहे हैं, जब ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा तो सबके सिंगल हो जाएंगे। तो एक दोस्त है मृदुल, उसका रूम दिखाने वाले हैं, वही तुम्हें रूम टूर कराएगा। सो शुरू करते हैं वीडियो और मैं रियर कैमरा कर देता हूँ। ये रहा हॉस्टल से साइड का व्यू, यहाँ पे पार्किंग वगैरह बन रही है। अभी इतना कुछ खास नहीं लग रहा, बट जब पार्किंग बन जाएगी तुम देख रहे हो लाइट्स वगैरह लग रही हैं, काफ़ी सही लगेगा। ये मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, ये हमारे सीनियर्स का हॉस्टल है, ये वाला इसके बैक साइड भी है, और ये हमारे वाले ब्लॉक की एफ ब्लॉक की मेन एंट्री है। सो अंकल सी आई डी देख रहे हैं, यहाँ से हमने ली कॉरिडोर में एंट्री। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पीछे अगर शोर वगैरह आएगा तो इग्नोर करना। ये हमारी मैस है, हमारी मैस का बेस्ट खाना है, मतलब सारी मैसेस का जितनी भी हैं हमारे कॉलेज में सबका खाना बहुत अच्छा है। मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब ही होता है, बाहर जाने का मन भी नहीं करता, मतलब काफ़ी सही मैस है। नीचे वाला फ्लोर जैसे मैं बता ही रहा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रे गार्ड अंकल, गार्ड अंकल क्या कर रहे हो? क्या करना है बेटा, पेटीएम चला रहे हैं। बस अब मैं बोला था नीचे वाले फ्लोर जब तैयार हो जाएंगे तो सबको सिंगल मिल जाएंगे। अभी देख रहे हो इसमें सामान वगैरह पड़ा है, ये मार्च तक तैयार होंगे। मतलब काफ़ी बच्चे सिंगल कर दिए हैं, बट धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। मेरा भी सिंगल हो गया, बट रूम टूर आज मैं अपना नहीं कराऊंगा, दोस्त का करा रहा हूँ, क्योंकि इसने टेबल वगैरह भी रखा हुआ है, मैंने भी टेबल रखा नहीं है। और सो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर, बाथरूम और हर फ्लोर पे है, नीचे वाले पे बनेगा, इसका टूर नहीं है तो अभी नहीं दिखा रहे हैं। ये रहा हमारा कॉरिडोर, हर फ्लोर पे ऑलमोस्ट 36 रूम्स हैं, और अभी आई थिंक 86 समथिंग बच्चे हैं। तो जब नीचे वाला तैयार हो जाएगा सारे सिंगल हो जाएंगे, बल्कि और बच्चे भी अगर आना चाहें हॉस्टल में तो अकोमोडेशन हो जाएगी। सो हर साइड में देखेंगे, ताला लगा हुआ क्योंकि सब संडे है तो ऑलमोस्ट सब रात को ही वापस आने वाले हैं। लाइटिंग वगैरह कॉर्डन में काफ़ी सही है, और यहाँ पे अभी कर्टन्स के लिए रॉड्स लगने वाली थी। कुशल भाई, हमारे कुशल भाई हैं, और ये टूटी हुई स्टेयर्स अभी चेंज हो रही हैं। उस साइड वाली तो तुमने देखी नहीं, वो वाली तो सही हो गई हैं, बट इस साइड वाली अभी कर रहे हैं चेंज। मतलब पुराने हॉस्टल से एक तरीके से इन्हें दोबारा रेनोवेट सा करा है। तो ये रहा रूम नंबर 100 हमारे मृदुल भाई का। मृदुल, तो ये रहे मृदुल भाई हमारे आज के रूम टूर गाइड। तो भाई दिखाओ रूम में क्या क्या है आपके। आइए, तुमने देख ही लिया ऑलमोस्ट सब तो, बट मृदुल भाई आज हमारे रूम टूर गाइड हैं। ये बेड, बेड अपने लाना था। हाँ बेड खुद लाना है, बेड मिला नहीं है, बेड खुद लाना है हमें। जो मिला है वो पार्ट है ये अलमीरा, लाइट बल्ब और फैन, ये वाला भी मृदुल ने खुद ही लगाया आई थिंक। सो और बताओ मृदुल फिर। और अलमीरा ये, और एक आदमी के लिए है ना स्पेस है। दिखा सकते हो फिर अंदर क्या क्या रखा हुआ है? दिखाओ दिखाओ। नहीं दिखाना। तो चलो भाई प्राइवेट स्पेस है, नहीं उसमें घुसने कोशिश करते हैं। ये एसी की जगह दी है इन्होंने। हाँ मतलब अगर एसी वगैरह लगाना हो तो यहाँ एसी की तुम्हें स्पेस दी हुई है, अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, ठंडियाँ चल रही है ऑब्वियसली। टेबल के लिए इनफ स्पेस है, मतलब एक बच्चे के लिए, मतलब एक अगर यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है उसके लिए बहुत ही सही रूम है। बाकी तुम्हें बैल्कनी भी दिखा देते हैं मृदुल भाई, बैल्कनी टूर गाइड। ये हमारा ब्यूटीफुल बैल्कनी, ब्यूटीफुल बैल्कनी। ये सामने जो मैंने वहाँ से तुम्हें दिखाया था, वहाँ से तो ये वाला हॉस्टल दिख रहा था, ये उसकी बैक साइड है, दूसरे हॉस्टल्स सीनियर्स के और भी अच्छे हैं, इससे और भी अच्छे हैं। सामने वाले हॉस्टल में आई थिंक डबल डबल रूम्स हैं जो काफ़ी बड़े हैं। और इस रूम की एक एडवांटेज क्या कि ये एक सिंगल बालकनी है, बाकी सब रूम्स में शेयर्ड बालकनी है। अच्छा हाँ, ये सिंगल बालकनी है, बाकी सब में शेयर्ड बालकनी है, मतलब तुम देख रहे हो दो रूम्स की शेयर्ड बालकनी है। मृदुल ने दिमाग लगाया और उसे सिंगल बालकनी मिली है। बस और कुछ है मृदुल रूम में दिखाने वाला? और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है फिर, मतलब जगह है ऊपर सूटकेस रखने की। हाँ मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा स्पेस वगैरह दिया हुआ है, सूटकेस रखने को, बुक्स रखने को, कपड़े रखने को, जो भी है। मतलब ऑल इन ऑल सिंगल बंदे के लिए काफी सही रूम है। धीरे धीरे सबके सिंगल हो जाएंगे, सबके सिंगल हो जाएंगे, तो मृदुल रेडी होगा तो सबके सिंगल हो जाएंगे बिल्कुल। तो आज का व्लॉग तुम एंड करो। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।